19 मई को सातवें चरण में हिमाचल प्रदेश की सभी चार सीटों पर मतदान होंगे। मतदान से पहले राजनीतिक गलियारों में खूब हल्ला भी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और वार पलटवार का भी। इसी कड़ी में हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने जहां बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा तो उनसे कई सवाल भी पूछे। क्या है ये सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी कड़ी में हमीरपुर के होटल हमीर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रामलाल ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर पर एक के बाद एक कई वार किए और उनसे सवाल भी पूछे। रामलाल ने अनुराग से पूछा कि वो बताएं कि उन्हें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से क्यों निकाला गया था और जम्मू में हिमाचल की टीम बिना खेले अनुराग ठाकुर कैसे कैप्टन बन गए थे। उन्होंने कहा जैसे जम्मू में पहली गेंद पर अनुराग आउट हुए थे वैसे ही वो इस बार राजनीति से आउट होंगे। कैच आउट भी हो सकते हैं, जो चौका मारने की जो दिल में रखे हुए ना वो कैच आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जब जम्मू में गए थे हिमाचल प्रदेश की टीम से वो खेले, खुद प्रेसिडेंट है क्रिकेट एसोसिएशन के, खुद ही जो है ना सिलेक्टर थे, अपने आप को कैप्टन सिलेक्ट कर लिया, खेले कहीं से नहीं, जब जम्मू में गए तो पहले बॉल पे आउट हुए, तो इस बार भी पहले बॉल पे आउट होंगे। देश में उठ रही मोदी लहर की बात पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि देश में कोई मोदी लहर नहीं है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 5 साल पहले मोदी ने लोगों को छला था और इस बार जनता बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी में है। भारतवर्ष में नहीं है मोदी लहर ने, जो मैं कहूंगा कि जो संकल्प पत्र दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कम था, मोदी का ज़्यादा था। मोदी जी भाषण ज़्यादा करते थे, संकल्प पत्र का मतलब ये है कि भगवान को हाजिर नाजिर रख के मैं संकल्प करता हूँ मैं ये काम करूँगा, लेकिन हुआ क्या, जो संकल्प पत्र में लिखा हुआ था किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात थी, 15-15 लाख रुपये काले धन का ला के लोगों के अकाउंट में डालने की बात थी, महंगाई को कंट्रोल करने की बात थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें कमी लाने की बात थी, किसानों ने जो आत्महत्या करी वो रिकॉर्ड बना 5 सालों के अंदर, अब मोदी उसके ऊपर कुछ भी कहने काबिल नहीं है। वहीं पीएम मोदी की ओर से राजीव गांधी पर की गई टिप्पणियों पर रामलाल ठाकुर ने पीएम मोदी को जमकर घेरा, कहा कि आज मोदी पुराने प्रधानमंत्री को गालियां निकालने के साथ बुरा भला कहते हैं और स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर की गई टिप्पणियों पर मोदी की मानसिकता का पता पूरी दुनिया को लग चुका है। वो क्या करते हैं, पुराने प्रधानमंत्रियों को गालियां निकालते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, और जो मैं कहूंगा कि जो आज प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जो के बारे में जो उन्होंने टिप्पणियां करी हैं वो पूरी दुनिया ने देखी है, उसके बारे में उनकी क्या मानसिकता है वो सारी दुनिया को पूरे भारतवर्ष को पता लग रहा है। वहीं राहुल गांधी के हिमाचल दौरे की जानकारी देते हुए रामलाल ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना में 10 मई को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा है और जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों के साथ ऊना में बैठक कर अंतिम रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। हमारी जो इंचार्ज है रजनी पाटिल जी और प्रदेश के जो सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट, सीएलपी के नेता और जिलों से भी जो है वो हमारे सीनियर लीडर्स को वहाँ पे बुलाया गया था, कल मीटिंग हुई है और मीटिंग में सारा तय हुआ है कि क्या होना है, कैसे कैसे लोग जो आएंगे, मोबिलाइजेशन कैसे होगी, तो वो कल की मीटिंग में हमीरपुर उसमें ऊना में ये सब कुछ फाइनल हुआ है। लोकसभा चुनाव के इस महापर्व में जहां हर पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है तो वहीं आरोप प्रत्यारोप और हार जीत की राजनीति भी जारी है, लेकिन ये तो अब 23 मई को ही फाइनल हो पाएगा कि कौन सत्ता पर काबिज होता है और जनता किसे बाहर का रास्ता दिखाती है। खबरें अभी तक के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।